अपनों के साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन वक़्त के साथ अपनों का पता ज़रूर चल जाता है। मुझे बचपन का वो वक़्त कभी नहीं भूलता, जब घड़ी किसी किसी के पास थी पर वक़्त सबके पास था। वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की। कोई भी इतना मसरूफ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है। लूडो की तरह होती है ज़िंदगी, छः की उम्मीद में एक भी आ जाए चलना पड़ता है। इबादत और मोहब्बत में सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल मुनाफ़िकत से पाक हो। मिट्टी से मिट्टी के सफ़र के दरमियान जो वक़्त है वो मोहलत है और वही ज़िंदगी है। वक़्त बहुत बड़े और गहरे ज़ख़्म देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। कदर चाहते हो तो मर जाओ, लोग कांधों पे उठा लेंगे। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। किसी का दिल तोड़ कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है। कब्रें पुरानी हो भी जाएं, तो फातिहा पढ़ने वालों के दुख हमेशा ताज़े रहते हैं। मोहब्बत के कीमती लम्हात अगर अना की नज़र कर दिए जाएं, तो हाथ में बस घड़ी रह जाती है, वक़्त निकल जाता है। दुनिया में सस्ता तरीन खिलौना इंसान का दिल है, जिससे खेल के तोड़ दिया जाता है। जब हम एक दूसरे के लिए वक़्त नहीं निकाल पाते, तब वक़्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। ताल्लुक मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफ़िकत से पाक होना चाहिए। दीवार पे लगा शीशा और दिल से जुड़ा रिश्ता हमेशा गफलत से टूटता है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। तकलीफ की इंतहा तब होती है जब आप इस इंसान के लिए कुछ ना कर रहे जिसके लिए आप सब कुछ थे। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह आपके साथ
خوبصورت خوبصورت اسلامی اخبار لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔